हेलो स्टूडेंट्स, आम आज तुम षष्ठ श्रेणी उत्थान विज्ञान बहर दशम अध्याय दैर्घ्य और दूरतार मापन विषयटी पढ़वा। पाने दैर्घ्य और दूरता कहले कौन तुम्हें मैंने कि जाथ ताल विषय आम कौन जाणवा चल देखा। भौतिक परिमापर मापक आंतर्जातिक एकक प्रकाश करवा है ये सब जिनस गुड़िक जान भौतिक परिमापर माप करी आंतर्जातिक एकक प्रकाश करवा तुम्हें जानव। तेल चलो कार्यफर्द आड़क जा कार्यफर्दर प्रथम प्रश्नटी देख जो वस्तुगुड़िकर लंब माप कराए ना ताको गोल बुलाओ। ये केतोटी शब्द देखी जो वस्तुगुड़िकर लंब माप कराए ना ताको आम गोल बुलेबा। देख ये लिखाई टेबुल धार बाड़ीर दैर्घ्य रिबन फिता जल है टेबुल धार बाड़ीर दैर्घ्य रिबन फिता एगुड़ी सब आम लंब माप करूँ जलर लंब आम माप कर न था तेल यार तुम ये तुम सठिक आंसर हो जल है। दुई नंबर देख तुम्हें क्या द्वारा माप कर लेख। दुई नंबर क्रिकेट पिच्र दैर्घ्य क्या द्वारा आम माप कर माप फिता। नंबर तीन डाबर पुआ खेल गात ठार पुआर दूरता डेस यहाँ केमती माप करना यहाँ मीटर फिता द्वारा माप कर। चार नंबर देख बाउंसर लंब क्या द्वारा आम माप कर बाउंसर लंब आम माप फिता द्वारा माप कर। चार नंबर आंसर हम माप फिता। पांच नंबर देख आंकी रेखाखंडर दैर्घ्य डेस आंकी रेखाखंड आम कौन खाता कि बही कागज पर आम रेखाखंडर रेखाखंड अंकन कर दैर्घ्य आम क्या साहय स्केल साहय्य यार आंसर है स्केल। छः नंबर देख गोटे पदर उत्तर लेख कपड़ा दोकानी क्या साहय कपड़ा माप करे यार आंसर है माप फिता साहय कपड़ा माप करे। सात नंबर क्वेश्चन देख लंबडिया खेल रे खेलाड़ी डेईवा दूरता क्या द्वारा माप करा जाए यार आंसर है माप फिता द्वारा माप करा जाए है। आठ नंबर माँ लुगार लंब को किपर माप करे माप फिता बा हाथ द्वारा है हाथ द्वारा मध्यम मापी थाए माप फिता द्वारा मध्यम माप करा जाए। नौ नंबर देख खपरा डिया खेल रे खपरा पड़ा स्थान रे दूरता को किपर माप करा जाए यार आंसर है पाद द्वारा है ना पाद द्वारा माप करा जाए। दस नंबर देख तुम घर लंब को तुम्हें और तुम बापा हाथ साहय माप कले सामान संख्यक भाव हेबना कहीं सामान हेबना कारण मोर और बापा हाथर लंब सामान नुहे बापा हाथर लंब आउ पुओंर हाथर लंब दुईज हाथर लंब सामान न थाए से दुईज दूरता व माप सामान हम ना। तेल आकलन फर्दटी देखा आकलन फर्दरे कौन लिखाई एक नंबर देख वस्तुर माप करने व्यवहृत हो ना जिनस गुड़ी गोल बुलाओ है वस्तुर लंब माप करने व्यवहृत हो ना जिनस गुड़ी गोल बुलाओ केगुड़िक लंब माप करने व्यवहृत हो न थाए देख माप फिता माण स्केल मीटर बाड़ी ये तुम आंसर है माण कहीं माण को माप फिता द्वारा बा लंब माप कराए ना है। नंबर दुई देख आग काल लोक मैंने लंब माप व्यवहृत एकक गुड़ी को गोल बुलाओ आग काल जो लोक मैंने लंब माप करने केकक व्यवहार करते आंसर हूँ हाथ चाखंड मीटर बाड़ी आंगुड़ी सेंटीमीटर ये सब ऑप्शन गुड़िक देसी आर आंसर हे कौन हाथ चाखंड आंगुड़ी है लोक मैंने आग काल लोक मैंने हाथ चाखंड आंगुड़ी लंब माप करुले। तीन नंबर देख भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह और ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह दियो। तीन नंबर देख तुम खातार आंकी रेखाखंडर दैर्घ्य को मीटर एकक प्रकाश करें यार आंसर है भूल कहीं आम खातार आंकी रेखाखंडर दैर्घ्य को आम स्केल साहय मापी था। चार नंबर देख सहर सहर मध्य दूरता को किलोमीटर एकक प्रकाश करा जाए यार आंसर है ठीक। पांच नंबर आंतर्जातिक एकक पद्धति दैर्घ्यर एकक को एक सेंटीमीटर निया जाए भूल कारण दैर्घ्यर एकक कौन कर एक मीटर निया जाए है।
नंबर छ माप स्केल रो प्रथम मुंडरे एक चिन्हित थाए भूल आम जो स्केल व्यवहार करुचु ता कौन पंद्रह समय विशिष्ट होता है यार प्रथम मुंडरे जीरो थाए है यार आंसर हे भूल। तापर बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। सात नंबर देख कहुणी ठारु मध्यम आंगुर शीर्ष पर्यंत दूरता को डैश कहुए कहुणी ठारु मध्यम आंगुर शीर्ष पर्यंत दूरता को कौन कह जाए तले ऑप्शन अच्छी देख चाखंड आंगु हाते मीटर यार आंसर हम हाते हाते कहुए है। आठ नंबर एक किलोमीटर डैश मीटर सागे सामान तले सब ऑप्शन अच्छी देख यह हम हजार मीटर सागे सामान यार आंसर हम हजार एक किलोमीटर इक्वाल टू हजार है। नंबर नौ गछर गोल मापापी डेस्र साज्य नवा कौन कौन ने आम मीटर बाड़ी स्केल माप फिता अच्छे यार आंसर है माप फिता गछर गोल मापापी आम माप फितार साज्य नवा है। तापर देख सठिक जोड़ी को गोल बुलाओ ये अच्छे कौन ना दस नंबर अच्छी सठिक जोड़ी को गोल बुलेबा एक मीटर सामान शहे सेमी ठीक अच्छे एक किलोमीटर सामान हजार मीटर यह ठीक अच्छे तेल्ले भूल होमर कौन एक मीटर सामान दस मिलीमीटर से कही सठिक जोड़ी को गोल बुलाओ तो ये कौन हम सठिक जोड़ी होमर प्रथम दुईटी तापर एगार नंबर ये सब गुड़िक भूल है से सठिक जोड़ी ना आम गोल बुलाइले ना एगार नंबर रनसर कि हम ना। बार नंबर देख संक्षिप्त उत्तर लेख बार नंबर वक्र रेखार दैर्घ्य माप किपरि कराए लेख आम वक्र रेखार दैर्घ्य माप किपरि करना वक्र रेखार दैर्घ्य को प्रथम सूता द्वारा मापी सूतार दैर्घ्य को स्केल साइज़ रे मापी था हला वक्र रेखार दैर्घ्य को आम प्रथम सूतार मापीदे से ही सूतार दैर्घ्य को आम पुणी स्केल साइज़ रे मापी तहार दूरता बा दैर्घ्य माप आम संख्यार लिखि पारिबा। तेरह नंबर देख मापन बेले क्यों सतर्कता अवलंबन करवा उचित यार आंसर होची स्केल रो आरंभ मुंड को वस्तुर आरंभ मुंड सहित ठीक भावे जोड़ी रखा चक्षुर अवस्थान रे कौन सतर्कता अवलंबन करवा जे स्केल रो आरंभ मुंड को वस्तुर आरंभ मुंड सहित जोड़ी रखा कहीं आम मापटी ठीक भावे पाई चक्षुर अवस्थान रे सतर्कता अवलंबन रखा कहले आम आखि को कन्स्टांटली से ही जिनस लाखि रखा जहाँकि आमको कौन दूरताटा तो मापटे ठीक भाव में मिल पार। चौदह नंबर देख मापक एकक मापन पद्धतिर आवश्यकता पड़ा कहीं आम जो मापिया जो एकक पद्धति आमको आवश्यक कहीं पड़ा यार आंसर देख ये अच्छे ना पृथ्वीर विभिन्न स्थान में विभिन्न समय गोटे निर्दिष्ट भौतिक राशि मापन पर भिन्न भिन्न एकक व्यवहार होता है यह वैज्ञानिक गवेषण में बाधा सृष्टि कला तेणु वैज्ञानिक मैंने गोटे प्रकार मापन एकक पद्धति को ग्रहण कले बुझल पिला माने देख आम पृथ्वी कौन विभिन्न स्थान विभिन्न समय अलग अलग प्रकार मापन एकक सब व्यवहार कराला कौन ए वैज्ञानिक गवेषण बाधा सृष्टि से वैज्ञानिक मैंने कौन कले ना गोटे प्रकार मापन एकक व्यवहार कर ग्रहण कले है। पंद्रह नंबर देखा पंद्रह नंबर कौन अच्छी पार्थक्य दर्शाओ माप फिता और स्केल माप फिता और स्केल भितर आम पार्थक्य दर्शेवा प्रथम देखा माप फिता कौन ना कपड़ा वक्र रेखा इत्यादि को माप फिता साइज़ रे मपा जाए ना जो जिनस गुड़िकर दैर्घ्य माप फिता रे आम मापी था कौन माप फिता स्केल कम दैर्घ्य और प्रस्तुत आम मापाई स्केल व्यवहार कराए जमती आम खाता कि बही जो होमवर्क करुचु तुम होगा कौन ना सरल रेखा रश्मि रेखाखंड जेकोसी गोटे चित्र कर दैर्घ्य ये सब मापापी आम से कौन कम दैर्घ्य विशिष्ट कम दैर्घ्य प्रस्थ विशिष्ट ज्यामितिक चित्र सबूर दैर्घ्य मापापी आम कौन स्केल व्यवहार करप फिता हूँ टी बड़ बड़ दूरता अधिक दूरता लंब या जिनस गुड़ी आम कौन माप फिता साइज़ मापी था जमी तुम कपड़ार दैर्घ्य लुगा वक्ररेखा इत्यादि सब जिनस को आम कि गछर काठर गंडी सब को आम कौन माप फिता द्वारा मापी था पाने कार्यफर्दी केमी लगे मत कमेंट्स कर जनइब
ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ସିଧାସଳଖ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।